पंजाब ऐसी धरती है, यहां तो पांच नदियां बहती है, इसीलिए तो इसको पंजाब कहा गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पंच प्यारे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो एक प्यारा चांद जिसको साहेब सिंह कहते हैं, वो मेरे जिले से आते हैं, बीदर से आते हैं, और बीदर कहां ही पैदा हूं, और वहां से आकर उन्होंने ये जो पंच प्यारे थे और जिन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, उस जिले से ही मैं आता हूं। यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बनकर वहीं पर, उनको वहां पर बीदर में है। फिर नांदेड़ का तो आप जानते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। अंतिम उनका जो भी संस्कार हुआ वो नांदेड़ में हुआ, वो भी बीदर से 100 किलोमीटर के ऊपर दूर है। तो इतने नजदीक, और सिख समाज या पंजाबी इतने बहादुर है, शायद इस देश को रक्षा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सा है तो आप लोगों का हिस्सा है। आपने सबको रक्षण दिया है, इसीलिए तो सभी आज बोल रहे हैं, दूसरे कोई ज्यादा नहीं बोलते। आप जिंदा रखे सबको, आप प्रोटेक्शन दिए, इसीलिए सभी लोग आज खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और कहते हैं। तो इसीलिए एक यहाँ की धरती पे समानता की धरती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।